हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल टाइगर्स वर्सेस जबरीप सोकल के बीच में होने वाला मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी यहाँ पर 2 घंटा लगभग बाकी है। तो यहीं पर हम लोग टीम बनाने वाले, कौन सा विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर को पिक करना चाहिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप पहले बार आप मेरे चैनल पर आए तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो दोस्तों, जाके पहले सब्सक्राइब कर लेना। एक और काम आपको करना, आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर लिंक ओपन नहीं होता दोस्तों, तो टेलीग्राम पर जाना। आपको टेलीग्राम पर जाके आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको टेलीग्राम पर जाके अगर लिंक ओपन नहीं होता तो @शत्रुघ्न225 चेक कीजिएगा। चेक करते आपको मेरे चैनल से हो जाएगा दोस्तों। 1321 सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लेना। एक और प्रोसेस है, क्रिकेट विद एससी भी जाके सर्च करेंगे दोस्तों तो मेरे चैनल से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप मैच स्टार्ट करते हैं, कौन सा इन्फॉर्मेशन लेना है उसके बाद हम लोग टीम बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं इन्फॉर्मेशन सब कुछ बताता हूँ। तो दोस्तों, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये जो मैच है रॉयल टाइगर्स वर्सेस जागरेब सोकल के बीच में है। और ये मैच की बात करें तो ग्रुप बी का 11th T10 मैच है बैट टू बॉल यूरोपियन क्रिकेट लीग का। और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 1:30 बजे स्टार्ट होने वाला है। अगर स्टेडियम एंड वेन्यू की बात करें दोस्तों, तो काटामा ओवल स्पेन में खेला जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, दोनों टीम की आपको प्लेयर्स की स्टैट्स में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रॉयल टाइगर्स की जो स्टैट्स है, एक एक प्लेयर का आपको स्टैट्स बताऊँगा मैं। तो यहाँ पर रॉयल टाइगर्स का पहला जो प्लेयर है खैबर दिलदार है। अगर इनकी बात करें, 2 मैच खेले, 5 रन नॉट आउट 5 बॉल पे, 1 रन 3 बॉल पे। अभिषेक आहूजा की बात करें, अभी तक 1 भी मैच नहीं खेले, 43 मैच में 972 रन और 50 विकेट लिए। अभिषेक कैटरपल की बात करें, 38 रन 14 बॉल पे 2 विकेट लिए, 3 रन नॉट आउट 6 बॉल पे, कोई विकेट नहीं मिला। और यहाँ पर 31 रन नॉट आउट रहे और कोई विकेट भी नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर सुफियान मोहम्मद की बात करें, अभी तक 1 भी मैच नहीं खेले, 28 मैच में 392 रन और कोई विकेट नहीं मिला दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जीसन खुकी खेल की बात करें, 27 रन 16 गेंदों पे कोई विकेट नहीं मिला, 17 रन 20 बॉल पे 2 विकेट लिए, 54 रन 19 बॉल पे। तो यहाँ पर कमाल की पारी खेले और 1 विकेट। तो यहाँ पर ये हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद रॉयल टाइगर के 6-10 प्लेयर्स की बात करें तो अब यहाँ पर स्क्रीन पे देखिएगा, जो 6th प्लेयर है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अकरमुल्ला मलिक ज्यादा है। अगर इनकी बात करें, 1 विकेट और 0 विकेट लिए। मार्क आहूजा 12 रन नॉट आउट रहे। हर्ष मंदियान की बात करें, 1 रन 2 बॉल पे कोई विकेट नहीं, 16 रन 10 बॉल पे 2 विकेट लिए। और यहाँ पर 23 रन 12 बॉल पे कोई विकेट नहीं मिला। उसके बाद जो 9th प्लेयर है दोस्तों, अभितेज प्रसार है, 9 मैच में 61 रन 6 विकेट है। रुतराज सावंत की बात करें, 1 विकेट 0 विकेट और 0 विकेट है। उसके बाद जो 11, 12, 13, 14 प्लेयर्स की बात करें तो अब यहाँ पर देखना रॉयल टाइगर्स की जो प्लेयर्स है, जहीर शफी है दोस्तों, 2 रन 4 बॉल पे, 27 रन नॉट आउट 10 बॉल पे, 1 रन बनाए 2 बॉल पे। स्टैन आहूजा की बात करें, 19 रन नॉट आउट 16 गेंदों पे, 4 रन 7 बॉल पे, 2 रन 5 बॉल पे। विघ्नेश्वरन जयरामन की बात करें, 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट है। अर्चरन बसारत की बात करें, 1 विकेट और 0 विकेट है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको एक टीम की स्टैट्स मिल गए। अब हम लोग बात करते हैं जगरेब सोकल की। तो यहाँ पर 1-6 प्लेयर्स की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पर। तो पहला प्लेयर है दोस्तों जारेड न्यूटन, यहाँ पर ओपनिंग भी करते हैं, फेस बॉलिंग भी करते हैं। जो लास्ट मैच खेले वहाँ पर 6 रन बनाए 4 बॉल पे, कोई विकेट नहीं। यहाँ पर 15 रन 17 बॉल पे कोई विकेट नहीं, 34 रन 16 बॉल पे कोई विकेट नहीं। तो यहाँ पर 3 मैच में 1 भी विकेट नहीं मिला, लेकिन कुछ रन बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर डैनियल लजा राइट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 रन 6 बॉल पे, 7 रन 4 बॉल पे कोई विकेट नहीं, 0 रन पहले बॉल पे आउट हो गए और 1 विकेट यहाँ मिला। तो 3 मैच में इनको 1 ही विकेट मिले। नील्स गोर्नाल की बात करें, 0 रन 5 बॉल पे। सोहेल अहमद की बात करें, 21 रन 16 बॉल पे, 2 रन 4 बॉल पे 0, मतलब पहले बॉल पे आउट हो गए। सैम हॉकटन की बात करें, 5 रन 3 रन और यहाँ पर अच्छे पारी खेले, 23 रन 19 बॉल पे। मोहम्मद सायकत की बात करें, 1 रन 2 बॉल पे 1 विकेट है, 2 रन 3 बॉल पे 1 विकेट है, 9 रन 6 बॉल पे 2 विकेट है। तो दोस्तों, सब कुछ आपको मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसका बस 7-12 प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोकल की। तो यहाँ पर जो 7th प्लेयर है अर्पित शुक्ला है, 1 रन 4 बॉल पे, 6 रन 8 बॉल पे 1 विकेट लिए, 0 रन पहले बॉल पे आउट हो गए। वसल कमल की बात करें, 1 रन नॉट आउट 1 बॉल पे 2 विकेट, 2 रन 4 बॉल पे कोई विकेट नहीं, 3 रन नॉट आउट 5 बॉल पे कोई विकेट नहीं। उसके बाद अर्नब मौसम की बात करें, 4 रन नॉट आउट 3 बॉल पे कोई विकेट नहीं, 2 रन नॉट आउट 3 बॉल पे, 1 रन नॉट आउट 4 बॉल पे। उल्ला अहमद की बात करें, 0 विकेट 1 रन 5 बॉल पे कोई विकेट नहीं, यहाँ पर भी 0 विकेट है। उसके बाद यहाँ पर डेविड स्किनर की बात करें, 2 रन 5 बॉल पे, 13 रन 21 बॉल पे। सुरेश सनमुगन की बात करें, 1 रन नॉट आउट 3 बॉल पे कोई विकेट नहीं और यहाँ पर भी कोई विकेट नहीं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आपको दोनों टीम के
स्टार्ट मिल गए। अब हम लोग बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर रॉयल टाइगर्स की बात करें, यहाँ पर जीशान खान और हर्ष मंदियान आपको यहाँ पर ओपनिंग करते नजर आएंगे। जीशान खान की बात करें ज़्यादा पॉइंट्स लिए दोस्तों इस टीम के लिए, और सैफी जहीर आपको वन डाउन पर बैटिंग करेंगे और इस टीम का मेन प्लेयर है। अभिषेक आहूजा एंड अभिषेक कैटरपल मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। हर्ष मंदियान इस टीम का कप्तान है दोस्तों, इसके साथ एक अच्छे बैट्समैन भी है। सुफियान मोहम्मद आपको विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे। अभिषेक कैटरपल एंड रुतराज सावंत इस टीम का फेस अटैकिंग को संभालने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जबरेप सोकल की। तो सोकल की बात करें तो आप स्क्रीन पे देखिएगा, जारेड न्यूटन एंड डैनियल लजरेट्स आपको ओपनिंग करेंगे। डैनियल लजरेट्स की बात करें इस टीम का कप्तान, इसके साथ एक अच्छे बैट्समैन है। सैम हॉकटन आपको विकेट कीपिंग करने वाले हैं। सोहेल अहमद आपको वन डाउन पर बैटिंग करेंगे, इस टीम का मेन प्लेयर है दोस्तों। सैम हॉकटन एंड मोहम्मद सैकत मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। मोहम्मद सैकत की बात करें इस टीम का ज़्यादा पॉइंट्स लेने वाले प्लेयर हैं दोस्तों। मोहम्मद सैकत एंड वसल कमल आपको फेस अटैकिंग संभालेंगे। मोहम्मद सैकत की बात करें इस टीम का ज़्यादा पॉइंट्स लेने वाले प्लेयर हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको दोनों टीम के कॉम्बिनेशन पता चल गया। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये मैच जो है काटामा ओवल स्पेन में खेला जाएंगे। ये जो पिच है बैटिंग के लिए फेवरेबल है, क्लियर स्काई रहने वाला है और टेम्परेचर 10.23 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। और यहाँ पर एवरेज फर्स्टिंग को यहाँ पर 90 प्लस से 100 रन के बीच में बनने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें तो एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रॉयल टाइगर्स की विनिंग चांसेस यहाँ पर 13 है और जबरेप सोकल की 87% है। लेकिन यहाँ पर फॉर्म की बात करें रॉयल टाइगर्स की अच्छा है, लास्ट पांच मैच में एक ही मैच हारे और चारों मैच जीत गए। और जबरेप सोकल की बात करें यहाँ पर दो मैच जीते हैं दोस्तों और इसके बाद तीन मैच हार गए, आप यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोनों टीम की फॉर्म आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर ग्रैंडली कैरो को मैं तीन प्लेयर मेंशन कर रहा हूँ दोस्तों। ये तीनों जो प्लेयर है, जेट खान, हर्ष मंदियान, अभिषेक कैटरपल, ये तीनों प्लेयर का कोई भूल के भी अवॉइड मत करना। अगर आप किसी भी लीग, स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग हो, हेड टू हेड हो, मिनी ग्रैंड लीग, जो भी लीग आप खेलोगे दोस्तों, ये तीनों प्लेयर को 100% आपको टीम में रखना है। ये तीनों प्लेयर आपको कोई भी लीग आसान से जिता सकता है, तो तीनों प्लेयर को आपको टीम में रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ तक जो भी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको मैंने सब सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना दोस्तों। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ फाइनल टीम। तो चलिए दोस्तों फाइनल टीम हम लोग लाइव बनाते हैं, किसी का आगे टीम नहीं बनाना, लाइव टीम बनाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दो विकेट कीपर है, अभिषेक आहूजा और यहाँ पर हॉकटन है। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा दोस्तों, यहाँ पर हॉकटन पर जाए नहीं तो अभिषेक आहूजा, तो आहूजा आपको यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर बैट्समैन दोस्तों हर्ष मंदियान, एस जाहिर, और यहाँ पर दो प्लेयर है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लेजराइट से आप इनको ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप चाहे तो आहूजा को ले सकते हो, नहीं तो दिलदार भी है, एक अच्छे प्लेयर है। उसके बाद यहाँ पर जेट खान को अभी 100% रखूंगा मैं अपने टीम में। उसके बाद यहाँ पर जय रामन है। उसके बाद न्यूटन की बात करें, ओपनिंग भी करते हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर फेस बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो आप इनको कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में कैटरपाल है दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद साइकत है, उसके बाद यहाँ पर वसल कमल है। यहाँ पर तीनों को मैं कंफर्म कर रहा हूँ। उसके बाद नहीं तो हम लोग एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर पे जाऊँगा, तो एक्स्ट्रा ऑलराउंडर नहीं तो एक्स्ट्रा बैट्समैन पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मैंशन करूँगा दिलदार को पिक कीजिए, क्योंकि इनके अच्छे क्रेडिट्स है, इसकी वजह से जा सकते हैं। नहीं तो आपको मैं एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ जाने के लिए बोलूँगा। तो यहाँ पर हम लोग चार ऑलराउंडर के साथ जाएंगे। अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें, जेट खान आपको 100% बेस्ट ऑप्शन होने वाला है कैप्टन के लिए। अगर वाइस कैप्टन की बात करें, कैटरपल भी एक अच्छे ऑप्शन है दोस्तों। नहीं तो आपको यहाँ पर हर्ष मंदियान भी एक अच्छे प्लेयर, आप इनको भी ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा टीम बन गया, कैप्टन वाइस कैप्टन भी पिक कर लिए। अगर यहाँ पर विकेट कीपिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभिषेक आहूजा है, और यहाँ पर बैट्समैन पर यहाँ पर मंदियान, जाहिर, लेजराइट्स है, और यहाँ पर ऑलराउंडर्स में जेट खान, वी जय रामन, ए शुक्ला, जे न्यूटन है। अगर यहाँ पर वाइस कैप्टन की बात करें, कैटरपाल है, कमल है, उसके बाद यहाँ पर साइकत है दोस्तों। अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें, यहाँ पर जेट खान मेरे कैप्टन रहने वाले, वाइस कैप्टन में मैं कैटरपाल को पिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक बात समझ लेना, कोई मेरा फाइनल टीम नहीं है। इसमें अगर एक भी प्लेयर मिस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं दोस्तों, इस टीम को फाइनल कर लीजिएगा। अगर इसमें एक भी प्लेयर मिस होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके लिए ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, मैं स्टार्टिंग में बताया, लिंक अगर ओपन नहीं होता तो क्रिकेट विद एससी नहीं तो @शत्रुघ्न225 चेक करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर आपको फाइनल टीम देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर देख सकते इस तरह फाइनल टीम मिलते हैं। उसके बाद जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ, अगर उस एप्लीकेशन पर आप भी आके खेलेंगे तो आप 100% जीतोगे दोस्तों। तो यहाँ आके आप खेलिएगा, 100% आपको यहाँ पर लेस कॉम्पिटिशन रहता है, इसलिए इस एप्लीकेशन पे मैं खेलता हूँ। तो आप भी जल्दी से आके यहाँ पर आके खेलिएगा। तो दोस्तों यहीं पर आपको फाइनल टीम मिलेगा। टेलीग्राम ट्रस्टेड चैनल है, 1320 प्लस सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लेना। आज उसके बाद इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो पहला T20 उसका भी फ्री गिवे देने वाला हूँ, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यही है पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू।